सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अन्तर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। चंद्रघंटायै नमः। चंद्रघंटा देवी के स्मरण के साथ आज के उत्तम विचार कुछ इस प्रकार हैं। द्यायया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशो जनार्दनः। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं दया भाव से कार्य में संलग्न होना चाहिए। आगे देखें, जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी यह सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। सुप्रभातम। आप सभी जिंदगी में सदैव भलाई करते रहें और भलाई के मार्ग पर चलते रहें। यदि कोई व्यवधान आता है तो वह सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें, चिंता उसकी ना करें, क्योंकि कहा भी गया है बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है। आंखें धुंधली हो जाती हैं लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है, आंखें धुंधली हो जाती हैं लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। आगे के सुविचार कुछ इस प्रकार हैं कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अतः जो कुछ भी निर्णय लें, विचार करें, सोच समझ कर फैसला लें। सोच समझ कर फैसला तब आप ले पाएंगे जब आप अपने चक्रों को जागृत कर पाएंगे। और आपके चक्र कौन कौन हैं आपको शायद पता हो अथवा ना हो। यदि पता है तो आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति हो जाएगी, यदि नहीं पता है तो वीडियो पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहला जो चक्र होता है वह मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद पेड़ों का जो प्रदेश होता है उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, और जो तीसरा जो चक्र होता है वह मणिपुर होता है, उसके बाद अनाहत चक्र होता है, उसके बाद विशुद्धि चक्र होता है, उसके बाद आज्ञा चक्र होता है, उसके बाद सहस्रार चक्र होता है। तो इन अष्ट चक्रों को जब आप ध्यानावस्थित होकर के जगा लेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है और आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी यह सब कुछ आपको दिखने लगेगा। साथ ही साथ परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर यदि होगी तो कुंडलिनी जागरण भी इसी माध्यम से आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं, जहां पर ध्यान लगाने से हमें विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में आप यदि ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर किसी प्रकार के रोग शोक व्यापित नहीं होते हैं, और मणिपुर में यदि आप ध्यान लगाते हैं तो आपके शुक्र ठीक होते हैं। अनाहत चक्र में यदि आप ध्यान लगाते हैं तो आपके हृदय से आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। अनाहत चक्र पर ध्यान जो व्यक्ति लगाता है, जो कोई भी इस पर साधना करता है, तो वह अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकता है। आगे है विशुद्धि चक्र। तो जो विशुद्धि चक्र है इसमें कहा जाता है कंठ देशे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठ प्रदेश में यदि आप ध्यान लगाते हैं तो आपके क्षुत पिपासा निवृत्ति है, मतलब भूख और प्यास को सहने की शक्ति सामर्थ्य इससे प्राप्त होता है। आगे है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में यहाँ पर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि में आप अपने दृष्टि के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के विचार को बदल सकते हैं। और उसके बाद है सहस्रार चक्र, जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और व्यक्ति अपने आप को समझते हुए उस परम तत्व को समझने का प्रयास करता है। तो यह जानकारी आप सबों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास हर एक सनातनी को करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।